80-90 के दशक में भारत में डिस्को म्यूजिक को फेमस बनाने वाले सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का निधन हो गया। उन्होंने 69 साल की उम्र में मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दीपक नम जोशी ने बताया कि लहरी करीब एक महीने से अस्पताल में एडमिट थे और उन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उनकी सेहत मंगलवार को बिगड़ गई। उनके परिवार ने एक डॉक्टर को घर बुलाया, उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की दिक्कतें थी। देर रात OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उनकी मौत हो गई। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है और इसके लक्षण क्या है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम या OSA नींद पूरी ना होने के कारण होने वाली एक बीमारी है। इसमें नींद के दौरान सांस लेने में बार बार रुकावट होती है। इस वजह से न सिर्फ वजन बढ़ जाता है बल्कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें आमतौर पर जोर से खर्राटों के साथ नींद के दौरान बार बार सांस रुकने की परेशानी आती है। इस तरह सांस का रुकना शरीर में कुछ पलों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को रोक देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति थोड़े समय के लिए जागता है, उसके सांस लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। WHO के अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम रात के दौरान कई बार हो सकता है, जिसके चलते अच्छी नींद लेना नामुमकिन हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को अच्छी नींद लेने में दिक्कत होती है। वहीं दिन के दौरान व्यक्ति को ज्यादा नींद आ सकती है, साथ ही इस बीमारी का सामना कर रहे व्यक्ति को ध्यान लगाने में भी मुश्किल होती है। कैसे होती है बीमारी की पहचान? WHO का ऐसा कहना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की पहचान पॉलीसोमनोग्राफी के जरिए होती है। इसमें नींद के दौरान शरीर की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है, साथ ही इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री भी शामिल है जो किसी भी समय पर खून में ऑक्सीजन की मात्रा को मापती है। WHO के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अपने आप में जानलेवा नहीं है, लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर रोग जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। बता दें कि डेंटल स्लीप मेडिसिन पर हुए एक सम्मेलन के मुताबिक भारत में करीब 40 लाख लोग, खासकर बुजुर्ग और मोटे लोग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम से पीड़ित हैं। आखिर में इतना ही कि भारतीय सिनेमा को डिस्को म्यूजिक देने वाले बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। वो एकमात्र सिंगर और कंपोजर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा की डिस्को म्यूजिक से पहचान कराई और उसे पॉपुलर किया। बप्पी दा ने कई फिल्मी साउंड ट्रैक बनाए जिसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस डांस और कमांडो शामिल है। बप्पी दा ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। 2014 में उन्होंने BJP ज्वाइन की। बप्पी दा को श्रीरामपुर सीट से 2014 के चुनावों में मैदान में उतारा गया था, पर वो चुनाव हार गए थे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।